खंडवा जिले के मानधाता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उत्तम पाल से सोमवार शाम को भगवान ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन लाभ और आशीर्वाद लेकर काफिले के साथ खंडवा जिले के मुंदी पहुंचे। मुंदी पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और नागरिकों ने उनका ढोल ताशों से भावभीना स्वागत किया। मुंदी अस्पताल बस स्टैंड मेन रोड होकर उनका जुलूस माता चौक पहुँचा। जगह जगह उत्तम पाल सिंह का स्वागत हुआ। उन्होंने भी नागरिकों का अभिवादन हाथ जोड़कर किया। फटाकों की गूंज और ढोल धमाकों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके। वहीं प्रत्याशी के पिताजी पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने भाजपा को जमकर कोसते हुए कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जो विधायक बिके वे तो दोषी हैं, लेकिन उनके 10 गुना ज़्यादा गुनहगार खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 28 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, सभी जगह भाजपा हार रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है, किसान को भिखारी बना दिया है। मोदी जी को अंबानी अड़ानी की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। मानदाता की प्यारी प्यारी जनता, ये चुनाव जो है नैतिकता का है। ये चुनाव एक तरफ बेईमानी खड़ी है, एक तरफ इंसानियत खड़ी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में 22 विधायक खरीदे, बिकने वाले जितने गुनाहगार है उससे 10 गुना गुनाहगार जिसने खरीदे हैं वो गुनाहगार है। दोस्तों, नारायण पटेल साहब को अगर उनने खरीदा है तो नारायण पटेल तो गुनाहगार है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे ज्यादा गुनाहगार है। आज भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति है, मध्य प्रदेश के अंदर 28 जगह चुनाव हो रहे हैं। चिंता इस बात की है कि 28 में भी शून्य नहीं मिल रहा है, बीजेपी 28 ही जगह चुनाव हार रही। दोस्तों, मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ ये वो जगह है कि जिंदगी में निर्णय कर दिया है। दुर्गा जी का मंदिर जो है ना, यहाँ मैंने जब भी बात करी, मैं आपको लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा 15 साल में काम ऐसा कर दिया। वो जितनी चीजें बोलते हैं उनसे पूछो ना। अरे भाई, जो बोलते हैं हमने बुनासा लिफ्ट कराई तो धरो ओंकार महाराज पे हाथ, उनने सटल चलाई हो तो धरो ओंकार महाराज पे हाथ, उनने ये थर्मल पावर अगर कुछ कराया तो रखो भगवान पे हाथ। उनने सिवाय गरीबों को लूटने के सिवाय कोई काम नहीं करा। बिजली का बिल गरीब का 500 का, कमलनाथ के राज में 100 रुपये बिजली का बिल आता था। आज किसान की वो दुर्दशा कर दी कि किसान को भिखारी बना दिया। दोस्तों, आज किसान को किस जगह जाके खड़ा कर दिया है। मोदी जी को सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है, बेरोजगार लोगों की कोई चिंता नहीं है। कहाँ खड़ा बेरोजगार? कोरोना के नाम पे 6 महीने में देश को कंगाल कर दिया। देश की कितनी दुर्दशा है। मामा जी से पूछना चाहता हूँ कि मामा जी, अभी कपास का बीमा इस वक्त कराने की क्या जरूरत थी? मोटे पैसे इकट्ठे कर लिए लोगों के पैसे जो है उनके मोटी। अभी तो झगड़ा ये है कि बैंक वालों से पूछो तो कुछ समझाने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार है। तो ये सब चीजें आपको समझना है। राजाराम काका नहीं है आज अपने पान वाले 85, जब मेरे को टिकट मिला तो उनने माणक चंद काका जी और कस्तूर सेठ को कहा कि घर को छोरो जी वोट देना पड़ेगा। मोदी तो वो जगह है जिसने जिंदगी भर प्यार दिया है, और मोदी के लिए हम भी नंगे पैर खड़े रहे, इस मानदाता के लिए नंगे पैर खड़े रहिए। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई मर्द नेता हो तो सामने आके बात करे कि ये इस विधानसभा को ये कहाँ थी 85 और कहाँ से कहाँ ला के खड़ी कर दी। आप एक बात बताओ कि थर्मल पावर के बाद में किसी नेता ने एक आधा उद्योग लगाया क्या? हम तो ये कहते थे कि सीमेंट की पैकिंग कई कारखाने लगा देते, गरीबों को रोजगार मिलता, लेकिन नहीं। अभी तो यहाँ आके बोलते हैं। मैं कहता हूँ असत्य बात क्यों करते हो? पुनासा लिफ्ट में राज्य सरकार का कोई लेना देना ही नहीं था। दिग्विजय सिंह ने एक बात कही कि भाई लोग पैसे नहीं भरेंगे, हमने कहा कि लिख के देंगे, और B1 पे किसान ने दस्तखत करके दिए, हमने दिल्ली से स्वीकृत करा के लाया उस वक्त पुनासा लिफ्ट। तो प्रश्न ये है कि सच बात करो। भारतीय जनता पार्टी ने जिंदगी में पट्टा लेके आई है कि झूठ बोलने का अधिकार बीजेपी का है, और हमारे से अच्छी कोई झूठ नहीं बोल सकती। उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत, अभी चुनाव 22 तारीख को वोट डलेगी, 29 को कल घोषणा होगी, 22 तारीख को वोट डलेगी, 8 तारीख तक नामांकन भराएंगे, 10 दिन का समय है प्रचार का। प्रचार तो हम तो लोगों में रात दिन ही घूमते रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।